नमस्कार फिर, मैं स्मिता मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। फ्रेंड, हमारी जो आठवीं यूनिट है हिंदी नाटक, उसे कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, जल्द ही कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में हिंदी नाटक कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास जो है इसमें हिंदी नाटक है आधे अधूरे। अब तक जो कंप्लीट कर चुके हैं, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अंधा युग, ठीक है, आषाढ़ का एक दिन, इतने नाटक जो है हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग पढ़िए, उनके पात्र जो हैं उन्हें नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट्स बना लीजिए, और कब प्रकाशित हुए हैं ये भी हमने बताया है। ठीक है, आधे अधूरे नाटक जो है मोहन राकेश का प्रसिद्ध नाटक है, और इसे हिंदी साहित्य का मील का पत्थर भी कहा जाता है। ठीक है, आधे अधूरे को, ठीक है, ये मोहन राकेश का प्रसिद्ध नाटक है। मोहन राकेश, जिन्होंने आषाढ़ का एक दिन नाटक लिखा है आधे अधूरे, कब प्रकाशित हुआ, 1969 में। ठीक है, 1969 में प्रकाशित हुआ आधे अधूरे, जो एक पूर्णता की खोज करती है, एक स्त्री है जो पूर्णता की खोज करती है, मध्यम वर्गीय परिवार से है। ठीक है, आइए देखते हैं आधे अधूरे, मोहन राकेश द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध नाटक है, पुस्तकीय रूप में है। ठीक है, यह नाटक संबंधी लेख है, धारावाहिक संबंधी लेख देखने के लिए आधे अधूरे नाटक जो है धारावाहिक भी बन चुका है, इसे जो है अब इसका जो है मंच भी इसे प्राप्त हो चुका है। ठीक है, मोहन राकेश का है, देश भारत में लिखा गया है, भाषा इसकी हिंदी है, और हिंदी साहित्य जो है इसका नाटक जो विधा है नाटक है, विधा भी पूछी जाती है कि आधे अधूरे किस विधा में है या किसका है या कब प्रकाशित हुआ, इसी तरीके को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो है आपसे कोर्ट में पूछे जा सकते हैं, तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो नेट, सेट, पीजीटी, टीजीटी, पीएचडी, असिस्टेंट प्रोफेसर, वो किसी भी स्टेट का हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है ये क्लास। ठीक है, हिंदी साहित्य तो साहित्य है, आपको पढ़ना है पूरा। आधे अधूरे मोहन राकेश द्वारा लिखित हिंदी का प्रसिद्ध नाटक है, यह मध्यम वर्गीय जीवन पर आधारित नाटक है। इसमें तीन स्त्री पात्र हैं तथा पांच पुरुष पात्र हैं, इनमें से चार पुरुषों की भूमिका एक ही पुरुष पात्र निभाता है। हिंदी नाटक में यह अलग ढंग का प्रयोग है। इस नाटक का प्रकाशन 1969 में हुआ था। यह पूर्णता की तलाश का नाटक है। जो स्त्री है सावित्री, वह चार व्यक्तियों के संपर्क में आती है, लेकिन वह जो है उसे पूर्णता नहीं मिलती है। पहले वह जो है महेंद्र, उससे प्रेम करती है और उसके बाद में उसे विवाह करती है, लेकिन उसे बाद में ऐसा लगता है कि जो उसने जिसका चुनाव किया है वह सही नहीं है, गलत है, और उसके बाद में वह अन्य लोगों के संपर्क में आती है। नेक्स्ट है जो पात्र हैं इसके प्रमुख, सावित्री एक कामकाजी मध्यम वर्गीय स्त्री है और यही प्रमुख पात्र है। ठीक है, नेक्स्ट है काले कपड़ों वाला पुरुष जो है चार रूपों में आता है, महेंद्रनाथ सावित्री का पति है, सिंघानिया है सावित्री का बॉस, और जगमोहन और जुनेजा, ये चारों व्यक्ति जो हैं इस जो सावित्री है उसके संपर्क में रहते हैं। बिन्नी जो है सावित्री की बड़ी बेटी है, जो मनोज से प्रेम करती है और उसके बाद में उससे विवाह कर लेती है। नेक्स्ट है अशोक, जो सावित्री का बेटा है, और किन्नी सावित्री की छोटी बेटी है। मनोज बिन्नी का पति है, जो बिन्नी का पति है मनोज, जब बिन्नी प्रेम करके उससे विवाह करके उसके घर जाती है, तो मनोज उसे प्रताड़ित करता है कि तुम अपने घर से सिर्फ एक ही चीज़ लेके आई हो, वह है माँ, तुम्हारी जो माँ का व्यवहार है वही तुम लेके आई हो। ठीक है, ये इसमें इसका संवाद भी हो सकता है। विशेषता क्या है इस नाटक की, इस नाटक में मध्यम वर्गीय परिवार के वैवाहिक जीवन की विडंबनाओं का चित्रण किया गया है। मध्यम वर्गीय परिवार में जिस तरीके से विवाह और उसके बाद में जो उसकी विडंबनाएं हैं, असंतुष्ट जीवन जिसका होता है, उसके जीवन में किस तरीके से असंतुष्टता रहती है, अशांति रहती है, तो सभी मध्यम वर्गीय परिवार में नहीं देखा जाता है, लेकिन इस नाटक में जो है मोहन राकेश ने जो मध्यम वर्गीय परिवार है शहर का, उसके उसका वर्णन किया है। इसमें परिवार का प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने ढंग के संतरास का भोग करता है, कोई भी मालिक नहीं है, सभी अपने अपने विचारों के ढंग से चलते हैं। यह आम बोलचाल की भाषा में लिखा गया नाटक है, तो एक परिवार को किस तरीके से इसमें वर्णित किया गया है, बहुत ही अच्छे ढंग से जो है मोहन राकेश ने इसको लिखा है।
तो फ्रेंड आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और मैंने जो भी इसके प्रमुख तथ्य हैं वो बता दिए हैं। आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करके बताइएगा। ओके, धन्यवाद।